नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने फिर दोहराया संकल्प, उत्तराखंड को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी बनाने की कही बात। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की एक और हेराफेरी, विधानसभा भर्ती के बाद अब एक और खेल आया सामने। चंपावत के स्कूल में गिरी बाथरूम की छत, तीसरी क्लास की छात्रा की दर्दनाक मौत। उत्तराखंड के वर्तमान वित्त और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहले से ही विधानसभा में पिछले दरवाजे की नियुक्तियों के मामले में चर्चाएं बने हुए हैं। वहीं उनके बेटे पीयूष अग्रवाल पर नगर निगम ऋषिकेश की एक विवादित जमीन को अपने नाम कराने का आरोप लगा है। इस मामले से संबंधित दस्तावेज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर आरोप है कि ऋषिकेश स्थित 135 हरिद्वार रोड पर 184 वर्ग मीटर विवादित जमीन को अपने नाम करवा लिया गया। ये भी आरोप है कि ये काम तहसील और नगर निगम के अफसरों से साठगांठ से हुआ है। संयुक्त संघर्ष समिति उत्तरकाशी द्वारा UK SSSC भर्ती घोटाले की CBI जांच के संदर्भ में बीती 15 अगस्त से शुरू किए जाने वाले क्रमिक धरना प्रदर्शन को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरुला और भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आशा नितियाल कल लच्छीवाला स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची, जहां पर उन्होंने चल रहे पोषण सप्ताह का निरीक्षण किया और बच्चों को फल वितरित किए। भाजपा महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल और डोईवाला विधायक ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह दिवस के रूप में मनाते हुए वृक्षारोपण के साथ आंगनबाड़ी केंद्र लच्छीवाला में पहुंचकर छोटे बच्चों को फल देकर उनका हौसला बढ़ाया गया। ये हर वर्ष सितंबर माह से और 30 सितंबर तक पोषण योजना चलती है, अभियान चलता है, और ये मार्च 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। जितने भी हमारे ये जो बच्चे 0 से 6 साल तक के, 6 साल तक के बच्चों को, उनको सबको यहाँ पर ये पोषण के लिए, उनका जो है स्वस्थ रहें, उनके लिए अच्छा डाइट की व्यवस्था के लिए जो भी अभियान चलाया जाता है वो यहाँ पर किया जाता है। अभी यहाँ पर जो हमारी जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको समय पे टीका लगने का जो है होना चाहिए, साथ में उनको क्या कहते हैं जो जो उनको डाइट के लिए जो व्यवस्था है उसकी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर। देखिए, महिला मोर्चा का कार्यक्रम अभी सभी जिलों में चल रहे हैं, इसी के तहत आज डोईवाला विधानसभा में भी कार्यक्रम है और अभी यहाँ पे सबसे पहले गोद भराई का कार्यक्रम यहाँ पे आंगनबाड़ी में हुआ है। उसके बाद आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम भी शुरू होगा, लेकिन हमने आज यहाँ पर वृक्षारोपण से ये कार्यक्रम शुरू किया और आगे 2 अक्टूबर तक ये चलेगा। हमारी महिलाएं निरंतर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती रहेंगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के पिरान कलियर पर बयान का अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने स्वागत किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने शादाब शम्स के बयान पिरान कलियर में देव्यापार, मानव तस्करी और ड्रग्स के मुद्दे को सही बताया है। पर रहते हुए उनके भाषा का उनको संयम रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो विषय उठाया है कहीं न कहीं उन्होंने जो मूल समस्या है उसको छुआ है, तो उनका जो बयान है वो स्वागत योग्य है। क्या कहेंगे आपको और लोगों से? धर्म स्थानों में अगर इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं जहाँ नशे का कारोबार होता है या और कोई ऐसी असामाजिक तत्व किसी प्रकार के रचित हिंसा के कर्म हो रहे हैं, वो किसी भी धर्म का स्थान हो, वहाँ पर सरकार को सख्ती से अंकुश लगाना चाहिए। और शादाब जी ने जो कहा मैं उसका स्वागत करता हूँ। जी, वहाँ के जो लोग हैं गद्दी थे, गद्दी नरसिंह क्योंकि व्यवस्था को चलाने में सक्षम नहीं है इसलिए उसको ये बयान देना पड़ा, इसलिए मैं उसका स्वागत करता हूँ। तो कैसे गद्दी ने? वो तो सरकार का विषय है और वो सरकार ने उनको अध्यक्ष बनाया है, तो वो पूरी जांच के बाद में उसको स्टेप उठाएंगे। हिंदी दिवस के मौके पर कल डोईवाला के सीपेट संस्थान के छात्र छात्राओं ने जहां हिंदी दिवस मनाते हुए कार्यक्रम आयोजित किया, तो वहीं इस अवसर पर स्वच्छता पखवाड़ा दिवस भी मनाया गया और डोईवाला क्षेत्र में जन जागरूक रैली निकाल कर लोगों को जागरूक किया गया। हम हर वर्ष की तरह जो है हमारे बच्चे जो है ये हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा और हम लोग भी सारे लोग मनाते हैं और स्वच्छता के प्रति जैसे प्रधानमंत्री जी की भी अपील है कि हम लोग एक स्वच्छता पखवाड़ा मनाएं, तो हमारे बच्चे एक रैली निकालेंगे जिससे एक जागरूकता पैदा हो आम लोगों में और सफाई के प्रति ज़्यादा जागरूक हों ताकि हमारा देश अच्छे से सफाई में अव्वल रहे। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर के अंतर्गत ग्राम सूरजपुर में भ्रष्टाचारी और धांधलीबाजी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक ही नाली को 4 बार कागजी कार्यवाही कर लाखों रुपए डकारने जाने के मामले को लेकर ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी कार्यालय में घेराव कर ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की मांग की है। पूर्व प्रधान सुरेंद्र गिरी जी के नेतृत्व में कुछ लोग यहाँ आए थे ग्राम सूरजपुर के,
उनका जो है मनरेगा के कई योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के संबंध में उनका आवेदन था, उसके लिए उन्होंने नेहरू भारती को कह दिया कि इनको जो है 10 वर्ष में जो भी कार्य हुए हैं उनकी रिपोर्ट इनको दे ताकि जनता को पूरी सही जानकारी प्राप्त हो जाए। दूसरा उनके द्वारा पंचायत घर के संबंध में, निर्माण संबंध में और उसके पंच के संबंध में बात की गई, तो उसके लिए हमने एरिया पंचायतों में अभी निर्देश करवाए थे, उस संबंध में जान जा करके वो जानकारी दें और बस्ती से मुझे हुआ इसमें तो MIS रिपोर्ट निकालने के लिए कह रखा है, तो रिपोर्ट के आधार ही पता चलेगा कितना हमने अपडे हुआ है। हमने दो तीन गांव की तरफ से शिकायतें भेज ली, नाला था और एक नहर से संबंधित थी, एक तालाब से, तो हमने नहर के हमने वीडियो कॉल भी कराया था, वीडियो कॉल कर रहे हैं कहीं नाम नहीं खोला गया नहर का, नहर का ये मुगल मामला है जिसमें पैसा के कारण क्या होता है ग्राम पंचायत की दीवार तोड़ी थी, वो आज तक ठीक नहीं कराई, जबकि लोगों ने कहा था तोड़ने वालों ने कि हम सब बनवा देंगे, वो नहीं कर मंगल युवा मंगल दल की जमीन पर यहाँ पर जो सोलर लाइटें गाँव में लगा दी है वो अपने चेहते घरों की लगा दी है, जिससे गाँव में कोई भी रोशनी नहीं होती और ग्राम पंचायत की दीवार को तोड़कर गुरुद्वारा कमेटी ने अपनी गुरुद्वारे में लगा दिया, जो भी पंचायत भवन क्षतिग्रस्त कर दिया गया। तीसरा जो सरकारी हैंडपम्प है उसको भी लक्ष्मण जी ने अपने घर में दीवार बनाकर अंडरग्राउंड कर दिया, मतलब अपना निजी बना लिया। चाहते हैं कि इसको जो हैंडपम्प है वो सभी के प्रयोग में है और सभी लोग इसे यूज करें और जो युवक मंडल के दल की जमीन है वो भी अवैध कब्जा कर रखा है प्रीतम सिंह ने, वहाँ पर चारा को रखा है ताकि बच्चे खेलते थे उसको मुक्त कराया जाए, उससे हमारा यही है कि उसको सारी चीज़ें हटाई जाए, वहाँ पर सभी जो भी समाज के कार्य हो सके। नहर से मेरे खेत तक सिरमोगिरी खेत तक नाली साफ हुई थी, वो नाली साफ मैंने कराई थी, तो जब मुझे पता चला कि प्रधान जी ने जो है इसके फ़ोटो वोटो खिंचवाए हैं किसी व्यक्ति के जरिए, तो मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मुझे 3500 रुपये दिए, लेकिन उसमें 6000 के लगभग, और मुझे बाद में पता चला कि इसमें जो है 56000 रुपये प्रधान जी ने इसकी सफाई के लिए आए हैं, ब्लॉक से लोग मांग रहे हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, कार्रवाई हो और इसकी जाँच हो सही करके। उत्तराखंड में चंपावत जनपद में दर्दनाक हादसा हुआ है, यहाँ एक प्राइमरी स्कूल के शौचालय की छत गिरने से एक विद्यार्थी की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना का पता चलने पर हड़कंप मच गया, जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी घटना पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। ये घटना पाटी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय की है, जहां शौचालय की छत जर्जर हालत में होने की वजह से गिर गई। इस घटना में कक्षा 3 की 8 वर्षीय छात्र चंदन सिंह की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि सोनी, रिंकू और छात्रा और शगुन इस हादसे में घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन आनफारन में स्कूल पहुंचे। जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचाया और घायल छात्रों को उपचार के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि घटना की जांच कराई जाएगी। इस हादसे के बाद मृत बच्चे के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, घायल बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमेशा चर्चाओं में रहने वाला जनता की सुविधाओं के लिए बनाया गया कोटद्वार नगर निगम में अजब गजब कारनामे कभी खत्म नहीं होते, ऐसा ही देखने को मिला जब 6 महीने बाद नगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर सुबह 11 बजे प्रेक्षागृह में बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, मगर नगर आयुक्त आधा घंटा देर से पहुंचने से नाराज पार्षदों ने बोर्ड की बैठक का बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त साहब पार्षदों को मनाने के लिए पीछे चल दिए। कुछ देर तक नगर की मेयर हेमलता नेगी कुछ अधिकारियों के साथ हॉल में अकेली बैठी नजर आई। कुछ देर इंतजार करने के बाद मेयर हेमलता नेगी भी उठकर चली गई, वहीं बोर्ड बैठक क्यों निरस्त कर दी गई। पार्षद और अधिकारी एक दूसरे पर इसका ठिकरा फोड़ते नजर आए। सारा मैं नगर आयुक्त जी पर डालना चाहती हूँ, क्योंकि जो हरकतें वो कर रहे हैं मार्केट में उनमें हमारे साथ भी कुछ ऐसी घटना हुई है कि जो हम उनसे बिल्कुल खुश नहीं है। दूसरा कि ये है कि आज अगर मीटिंग रखी थी तो हम अगर 10:30 बजे वहाँ पहुँचते हैं, 11 बजे की मीटिंग है, तो आयुक्त जी 11:30 बजे से बाद वहाँ पहुँच रहे हैं, वो भी तब भी उनको चैन नहीं है, वो अनाउंसमेंट करते करते ही आ रहे हैं, तब भी अपना ही कार्य करते करते हुए आ रहे हैं। तो इनमें थोड़ा सा हमें अपनी गरिमा का थोड़ा, और मेयर मैम वहाँ बैठी हैं, पार्षद सम्मानित पार्षद, उनके गरिमा का थोड़ा ध्यान रखते हुए तो हमें थोड़ा रोष आया, थोड़ा गुस्सा भी। कुछ किसी भी जो हम लोगों ने एजेंडा बनाए, एजेंडा में कुछ मतलब आपत्ति थी, उस क्रम में बोर्ड की बैठक का बहिष्कार हुआ। हम लोगों ने और हमारे SNA साहब ने, हमारे कई विद्वान पार्षद साहिबानों ने अनुरोध किया कि पुनः हमारा मतलब बोर्ड चले, परंतु पार्षद साहिबान लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुए। तो अभी मेरे संज्ञान में आया, मैडम मेयर मैडम भी वहाँ सदन से चले गई है, तो
तो मैं समझता हूँ आज का बोर्ड बैठक स्थगित माना जाता है। ये बोर्ड मीटिंग हमारे पक्ष में होती थी, अभी भी ढुलमुल रवैया चल रहा है, कभी वहाँ मीटिंग हो रही है, कभी यहाँ हो रही है, कभी आधे पार्षद वहाँ उठ चले गए, फिर आधे पार्षद यहाँ गए। ये सब एक प्री प्लान्ड है कि किसी तरीके से बोर्ड मीटिंग सफल ना हो, इनको दो तीन दिन तक टाला जाए और इनका जोश को ठंडा करा जाए। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये दबे कुचले लोग हैं लेकिन डरपोक नहीं है, बुजदिल नहीं है, ये हिम्मत हारेंगे नहीं, चाहे भूखे पेट भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, चाहे मुझको खुद पत्रकार होने के नाते इनके साथ भूख हड़ताल अनशन पर बैठना पड़े तो मैं बैठूंगा इनके हित के लिए, और चाहे इसके लिए हमें जान भी देनी पड़े तो हम जान देंगे। चुके थे और पार्षद अपनी अपनी जगह उन्होंने ग्रहण कर ली थी। और दूसरा ये है कि जो टाइम अधिकारियों ने जो है 11 बजे का दे रखा था, अधिकारी समय लोग पे नहीं पहुँचे, इसीलिए पार्षद जो है सब भड़क गए। पिछले चार साल से आप देख सकते हैं, पाँचवा साल हमारे कार्यकाल को लग चुका है और विकास कार्य किसी भी क्षेत्र में नहीं हुए हैं, और जो भी मुद्दा बोर्ड में पास होता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर हमने कहा है कि भाई निर्माण कार्य हो रहा है, आप इतने परसेंट ठेकेदार को काम दे रहे हैं, तो आप जो पार्षद है जो वहाँ काम करने वाला है उसके जो उसके ऊपर प्रश्न उठा रहा है, आप उसकी कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। कई जगह सड़कों की ऐसी स्थिति हो गई है कि एक महीने सड़क को बने हुए नहीं हुए, वो टूट गई है, तो उसका तो अब ऐसा है, कई लोग इसमें कई पार्षद इसके पक्ष में बहिष्कार करने के पक्ष में ज़्यादा पार्षद थे, तो वो ये मीटिंग कैंसिल कर दी गई है। लेकिन हमारा तो यही मत था कि क्या नाम बोलते हैं, सबको बोर्ड में बैठ के इसके ऊपर फैसला लेना चाहिए था। ये तो अभी ये जाने, हम तो बोर्ड मीटिंग के पक्ष में थे, ये जाने जिन्होंने इसका विरोध किया है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।